आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए मंच पे मौजूद पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रधान सरदार भगवंत मान जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हरपाल चीमा जी, हमारे पंजाब के प्रभारी सरदार जरनैल सिंह जी, सह प्रभारी राघव चड्ढा जी, यहाँ पे आए हुए सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी मीडिया के साथी, और आज मीडिया के जरिए पूरे देश भर में और पंजाब के कोने कोने में जो भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा सत श्री अकाल। आज पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, कई मायनों में ऐतिहासिक दिन है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए, इसका हर पंजाबी को, हर पंजाब के व्यक्ति को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। कई महीनों से लोग, मैं जहां भी जाता था एक ही प्रश्न पूछते थे, जी दूल्हा कौन है, आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन है। तो मैं सबको यही कहता था, सबर रखो, सबर का फल मीठा होता है। आपको हम ऐसा चेहरा देंगे जिस पे हर पंजाबी को गर्व होगा। तो आज वो घड़ी आ गई है उसका ऐलान करने की। हमने सीएम चेहरा ढूंढने के लिए एक अलग प्रक्रिया की। पंजाब के अंदर हमने देखा कि दूसरी रवायती पार्टियां जो हैं, कोई अपने बेटे को सीएम चेहरा बना देते हैं, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर के आदमी को बना देता है। भगवंत मान जी मेरे छोटे भाई हैं। मैं अगर खुद भगवंत मान जी का नाम डिक्लेयर कर देता तो कहते केजरीवाल ने अपने भाई को बना दिया, केजरीवाल ने भाई भतीजावाद कराया, जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं वैसे केजरीवाल ने करा। तो हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों से पूछेंगे कि आप बताओ कि पंजाब का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक फोन नंबर जारी किया और हमने कहा आप कॉलिंग कर सकते हो, आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, आप एसएमएस भेज सकते हो। तो हमारे पास 21,59,437 में रिस्पॉन्स आए, लगभग 21,59,437 लोगों ने अपने रिस्पॉन्स दिए। तो एक चीज तो सारे सर्वे भी ये दिखा रहे हैं और माहौल भी ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो जो सीएम चेहरा अब ऐलान होगा वो एक तरह से पंजाब का अगला सीएम बनने जा रहा है। तो पंजाब के लोगों ने अपना अगला सीएम किसे चुना है, ये जो 21,59,000 वोट आए, जो लोगों ने अपने रिस्पॉन्स दिए, उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं, तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया, उन सारे वोट्स को जो बचे। उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। मैं अपनी बात पूरी, दो मिनट, बस दो मिनट।
93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए, एक बहुत ही इमोशनल लम्हा पूरी आम आदमी पार्टी के लिए, पूरे पंजाब के लिए। मैं अपने बड़े वीर भगवंत मान साहब नू दिलों बधाइयां दिंदा हां। मेनी कंग्रेचुलेशंस मान साहब। और अज मैं यह गल खुल के कह सकता हां कि पंजाब दी आन बान ते शान साडा भगवंत मान, पंजाब दा अगला सीएम साडा भगवंत मान, साडा सीएम भगवंत मान। अब मैं मान साहब की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलू, कुछ यादगार लम्हे एक वीडियो के जरिए आपके सामने पेश करना चाहूंगा। मैं वीडियो टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को प्लीज प्ले करें। आम घर विच जमया खूब मिलना लोकां। मैं एक मां होके बाबे नानक तो बड़े ही बार मांगदी हां भी हे बाबा नानका, ताए मैनू बच्चा दिता, यह बच्चे दे शीश पर हाथ रखी। मैं एक नवाणी मां, जन्म देने वाली मां सी, बाकी ताए दिया मामा बारे बैठिया ने, बारे शीशवाद दे जांदियां ने, बाकी यही मेरी बोलबाणी आ भी मेरे बच्चे दे सिर ते लोको वीरो भैनो, जिवें तुसी पहला तो सिर ते हथ धरिया 30 साल पुराना, वह हथ हुण भी थोनू धरना पऊगा। जे अज उहदा डैडी हुंदा, अज उहनू इन्ना चाव होना सी भी जिन्ना भी कहे चलो उहदा आपां कह नहीं सकते, महाराज की मर्जी आ। होर मैं इन्ना कुछ बोलती करती, हे बाबा नानका आपदे बच्चे दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखी दात्या। एक बेहद भावुक लम्हा हर उस मां के लिए जो आज इस मंच की ओर देख रही है। अब मैं अपने दोस्त, अपने बड़े भाई को मंच पे बुलाना चाहूंगा। वो शख्स जिन्होंने सतौज पिंड से संसद तक एक कामयाबी का सफर तय किया, जिन्होंने हर मुद्दे को बड़ी बेबाकी से जनसभा से लेकर लोकसभा तक उठाया, आज एक नई जिम्मेदारी के लिए तैयार, एक नए विश्वास के लिए तैयार। ये जहां भी जाते हैं वहां पंजाबी उमड़ उमड़ के इन्हें अपना प्यार देते हैं, बुजुर्ग सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं, बहनें दुआएं करती हैं, नौजवान कंधे पे हाथ रख के सेल्फी खिंचवाते हैं और बच्चे इन्हें देखने आते हैं। पंजाब दी आन बान ते शान साडा मान, मेरा बड़ा वीर भगवंत मान, प्रेजेंटिंग टू यू पंजाब नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर भगवंत मान।
अज इत्थे मंच ते आम आदमी पार्टी दे नैशनल कन्वीनर एक एंटी करप्शन अंदोलन दे विचों एक पार्टी जिन्होंने बनाई देश की राजनीति की दशा ते दिशा बदल ली श्री अरविंद केजरीवाल जी LOP साहब हरपाल चीमा जी तिलक नगर तो लगातार तीजी बार विधायक चुने गए पंजाब के पोलिटिकल अफेयर्स के इंचार्ज जरनैल सिंह जी रजिंद्र नगर तो MLA पंजाब के सह इंचार्ज राघव चड्डा जी आम आदमी पार्टी के MLA साहबान आम आदमी पार्टी के बहुत सारे अहदा दर अहदा वर्कर वलंटियर साहबान मीडिया के सारे साथी मेरे माता जी और मेरी छोटी भैन मनप्रीत सब तो पहला तो मैं सारे प्यार भरी सत श्री अकाल सत श्री अकाल नमस्कार नमस्ते वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतह। अज पंजाब ले एक बहुत वड्डा दिन है जिस तरह CM साहब ने कहा है बड़ी देर तो तुहाडे भी क्वेश्चन उठ रहे सी कि कौन अगे आऊगा कौन अगे आऊगा। मैं हमेशा ही कहता सी का मैं तो सिपाही हाँ मेरी ड्यूटी तो चाहे कंधा ते पोस्टर चिपकाउण दी लाती जावे मैं पोस्टर चिपका दूंगा पर बशर्ते कि मेरा पंजाब ठीक कर दो। मेरी ड्यूटी लुधियाने के किसी चौंक च खड़ के झाड़ू नू लहराउण दी सारा दिन लाती जावे मैं वो झाड़ू लहरा दूंगा बशर्ते कि मेरा पंजाब ठीक कर दो। जो मैं कॉमेडियन सी मैं लोगों जाता सी लोग मेरा चेहरा देख के हस पैंदे सी पहले जिंदगी च एडा वड्डा बदलाव मैं सोचा नहीं सी हुण बिल्कुल रिवर्स हो गया। हुण मैं जदों कितें जनसभा च जां कितें मीटिंग च जाना लोग मेरा चेहरा देख के रोण लग जांदे ने कि सानूं बचा लो जी असीं पट्टे गए जी साडे बच्चे गलत संगत च पै गए सिव्यां दी अग जिहड़ी है उहदियां लाटां उच्चियां होई जांदियां ने चुल्हे की अग का पक्का नहीं पता शाम को बढ़ेगी या ना बढ़ेगी बाहरले मुल्कां नूं भज रहे हैं सानू बचा लो जी। मैं अक्सर ही कहिंदा सी बचाउण वाला परमात्मा है जां बचाउण वाले तुसीं हो पब्लिक लोग असीं तां जरिया बन सकते हैं बस। अब्दुल कलाम जी ने कहा सी कि सुपने वो नहीं हुंदे जिहड़े सानू नींद चाहुंदे ने सुपने वो हुंदे ने जिहड़े सानू सौण नहीं दिंदे। पंजाब नूं दोबारा पंजाब बनाउण दा सुपना सानू सौण नहीं दिंदा पंजाब दे नौजवानां नूं रोजगार देण दा उहनां दे हत्थां चों टीके खो के टिफिन फड़ाउण दा सुपना सानू सौण नहीं दिंदा पंजाब दी खेती नूं लाहेबंद धंधा बनाउण दा सुपना सानू सौण नहीं दिंदा पंजाब दे व्यापारी नूं दोबारा अमन शांति वाला माहौल दे के रोजगार उहदा भी जिन्हां नूं रोजगार प्रोवाइड करूँ उन्हां नूं नौकरियां दवाउण दा सुपना सानू सौण नहीं दिंदा सारी आम आदमी पार्टी नूं। इह टीम वर्क है बहुत वड्डी जिम्मेवारी अज मेरे ते पार्टी ने दित्ती है पार्टी ने जिम्मेवारी दित्ती प्लस जिहड़ा लखां लोकां ने मेरे ते विश्वास किया सो मेरी डबल जिम्मेवारी बन गई ते मैं डबल हौसले नाल काम करूँगा जिथे भी पंजाब वास्ते लोड़ होई पहले ही असीं तां सौंदे नहीं अज तां पहले ही दिन रात इसे काम ते लगे हुए हाँ जे सत्ता दा जे हरे रंग दा पेन पंजाब नूं सुधारन वाला लोकां दीआं जिंदगीआं च फर्क लिआउण वाला उहनां दा जीवन पद्धर उत्तरा चक्कण वाला जे पेन साडे हाथ च आया तां मैं तुहानूं यकीन दिवाउणा अज करोड़ां लोक देख रहे होणगे कि उह पेन हमेशा लोड़वंदां दे हक च चलूगा गरीबां दे हक च चलूगा वह किसे चेले चपटियां दे जां चमचियां दे हक च नहीं चलूगा वह लोकां दे हक च चलूगा। बाकी हौसले नहीं हारने जंग जित लैनी आपां उहदे वास्ते मेहनत करनी पऊ अजे जिन्हां चिर रीवन च नहीं बजदे पिछे मुड़ के नहीं देखना सो पहला सफर है कि आपां सरकार बनाईए उस तो बाद निराश नहीं होना
कि की करिए ऐ हो गया कुछ नहीं हुंदा। पंजाब बहुत वारी डिग गया है पर पंजाब बहुत वारी उठिया भी है। पंजाब पैरां सिर खड़ा होना जानता है। सुरजीत पात्र जी ने लिखा है की होया जे पतझड़ आई तू अगली रुत्त विच यकीन रखी मैं लभ के लियाना कितों कलमा तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। तुसीं जमीन रखियो फुल्लां जोगी कलमे लभांगे इसे पंजाब की धरती ते भंगड़े पैंदे दिखावांगे तुहानू इसे पंजाब की धरती ते गिद्दे पैणगे इसे पंजाब की धरती ते लोग खुश होणगे जिते हुण धरने ने टैंकियां भरियां पईआं ने टावर भरे पए ने लोग छालां मारी जांदे जिहड़े नहरां दे विच अपना बेरोजगारी तो तंग आ के असीं बाहरले मुल्क दे विच जिहड़े जहाज जा रहे ने आईलेट्स करके भज रहा जिहड़ा साडा यूथ उन्होंने भी रोकांगे क्योंकि उन्होंने जो उन्होंने डिग्री मुताबक इतनी नौकरी मिल जाए कि दिल करता है सत बगाने सत मुल्कों के जिहड़ा जाके उत्थे धक्के खाण दा। सो पंजाब नूं दुबारे पंजाब बनाउणा लंडन कैलीफोर्निया पैरिस के सुपने असीं बहुत देख चुके हैं सानू साडा पंजाब मोड़ दो। मैं तुहानू यही बेनती करूँगा कि मेहनत करनी है कोई आपां देखो खुशी जिहड़ी है ना वो उदों मनावांगे जदों आपां पंजाब नूं खुशहाल कर लिया ठीक है ना। वो नैलसन मंडेला जी का कोट है कि जे जदों कौम ने कोई खुशी मनाउणी होवे तां आप पिछे हो जाओ कौम नूं अगे लाओ नच लैण दिओ लैट दैम इंजॉय ते जदों कौम ते कोई भीड़ पै जाए कोई दुख हो जाए तां आप मूहरे लगो ते उहनां नूं कहो आओ आपां इस मुसीबत का रल के सामना करदे हां कट्ठे मिल के मोढ़े नाल मोढ़ा ला के चलांगे और जित होगी और पंजाब जिहड़ा दुबारे प्रोफेसर मोहन सिंह जी का पंजाब होगा जिन्होंने लिखा सी भारत है वांग मुंदरी विच नग पंजाब का। सो नग जिहड़ा है उहदे बिना मुंदरी जचदी नहीं आपां पंजाब नूं दुबारा नग बना के भारत की मुंदरी दे विच फिट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत मेहरबानी मेरे लिए दुआवां करन लई मेरे लिए अरदासां करन लई बहुत बहुत मेहरबानी सत श्री अकाल साहिब।